अब करण और सैंडी दोनों मिलके अपना एक नया बिजनेस शुरू करने की तैयारी में लगे हुए हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। ऑफिस में मेरी पार्टनर ऐसे बैठी हुई है। शेर और शायराना, करण वर्सेस अजय। पढ़ाई को काम चालू कर दो भैया ना। हाँ, किसी की अलमारी बननी हो घर पे ये देखो। मंजिल तो तेरी यही थी, पूरी उम्र लगा दी आते आते। मंजिल तो तेरी यही थी, पूरी उम्र लगा दी आते आते। क्या मिला इस जिंदगी से, अपनों नहीं जला दिया जाते जाते। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, थैंक गॉड, है ना यार। इतना टाइम लगा, 3 घंटे हमने वेट करा, पर ठीक है, फिर फ्लाइट लैंड कर चुके हैं। हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं, इतने मशक्कत के लिए भी है, बोर्डेड और कुछ भी। अब हम सीधा आपसे मिलेंगे दिल्ली में, पर दिल्ली में पोल्यूशन जरूर है, बहुत ज्यादा है ना। जो बस से हम फ्लाइट से इधर आए थे एग्जिट जैसे पर, वो बस ही खराब हो गई। हाँ यार, बस ही खराब हो गई, मतलब हमारी नहीं हुई, सामने वाली बस खराब हो गई, जाम लग गया। हाँ, तो इसलिए हम लेट हैं। हाँ, तो हो सकता है वैसे वेट ना करना पड़े। फाइनली वी आर हियर। अब अच्छा फील हो रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है। सैंडी बहुत ज्यादा थक गई है और इसके गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बहुत देर से बोली, मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है। तो भाई आप लोग बताओ कमेंट में, अगर कोई एक्सरसाइज हो जैसे गर्दन का दर्द या ठीक हो सके, कोई चीज हो, आप लोगों को बहुत पता होगा। आगे करवा, बस थक गई। और भाई हम वापस घर आ चुके हैं, शादी चल रही है, शादी का माहौल है। तू पीछे बारात में देख रही थी किसकी बारात चल रही है, और ये देखो पता लगा किसकी बारात है वो। हाँ, ये सब इधर ही सोते हैं, शाम में इधर ही सोएंगे रात में सारे। बाकी सब तो ठीक है, पर ये बता मेरा बिजनेस पार्टनर, नया बिजनेस पार्टनर, ये बताओ ट्रिप कैसी थी, बिजनेस ट्रिप कैसी लगी? पहली ट्रिप बहुत बढ़िया थी, बट एग्जॉस्टिंग थी, क्योंकि रातों रात भी मतलब ऐसे मीटिंग्स होती रही, डे बाय मतलब टाइम्स इधर उधर ऊपर नीचे, लेकिन अच्छा था एक्सपीरियंस। अब तो आगे तक करनी है, आगे तक तो अदर डेवलप चीज थी, है ना। डे 2 गाइज, करण के शूज कलेक्शन तो आपने देखा यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल, तो करण ने अमेज़न से ये मंगवाई है शेल्फ रैक, है ना, शूज के लिए। अब लेकिन इसे बिल्ड करना है, ये सबसे बड़ी वो है। ये मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं। इसके साथ एक प्रॉप ये भी आया यार, गाइज देखो, थोड़ा सा हथौड़ा, हथौड़ा ऐसे, कितना क्यूट है यार। तो अब हम इसे बिल्ड करते हैं, ठीक है, यही तो टास्क है। इसके अकॉर्डिंग अभी गिन रहे हैं कि कौन सा क्या है, ये 16 पीस ए बी है ये वाले। अच्छा। और इसमें ना ऐसे करके दिया हुआ जैसे ए बी सी डी। हाँ, तो हमें ये नहीं समझ आ रहा। अब सुनो ना, इस पे लिखा तो है ए, ए कौन से वाले थे, ए 16 है जो ये, ठीक है, ये एक निकालो इसमें से। अब ए में डी लगाना है, डी ए बी सी ऐसे रख दिया, ठीक है, ए में डी लगाने हैं हमें, डी ए है गोल गोल जैसे ये, ये हाँ भाई हम लगा रहे हैं। और सैंडी मुझे इतना गुस्सा कर रही है, मेरे पे इतना गुस्सा कर रही है, तुम्हें नहीं आता, तुम्हें नहीं आता, तुम्हें गलत लगा दिया ना, तुम्हें कुछ नहीं आ रहा। देखो, अब मैंने बिल्कुल सही लगा दिया, ये देखो भाई, बहुत गुस्सा है सैंडी मेरे से, क्योंकि मेरे से लग नहीं रहा, तो बोलिए तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। देखो अब आया, इसका स्ट्रक्चर नहीं आया। हाँ, स्ट्रक्चर आ गया यार। अच्छा, ऐसे लगना है ये, तो तूने भी तो पहले से नहीं बताया। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। अरे मुझे खुद समझ आया अभी। देखो हम लोग देखो कितने बड़े इंजीनियर बनने घूम रहे हैं, और ये देखो स्ट्रक्चर बन गया ना इसका, और छोटा हथौड़ा। मुझे लग रहा है इसमें एक चीज कमी है सिर्फ, देखा ये कमी थी इसमें, ऐसे नहीं यार, ये ना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या तो हमने इसको गलत तरीके। गाइस ये देखो हमने कितना बिल्ड कर दिया है, और ये हथौड़ा हथौड़ा मारने का शौक देखो, वेरी गुड कारपेंटर यार, अच्छा बना दिया हमने। पता है मैंने बताया तुम्हें, मतलब तुम तो क्या ही कर रहे थे। सच में सैंडी, तू गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग कारपेंटर है आंटी। नहीं, पढ़ाई को काम चालू कर दो भैया ना। हाँ, किसी की अलमारी बननी हो घर पे, ये देखो संपर्क कर रहे। पर आइडिया और विजन मैंने दिया तुम्हें, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आता। शूरेक्स बनवानी है किसी को घर में, ये देख लो, किसी को अपना खलारा जैसे ऐसे होता है। ये देख, ये सारे शूज अब इसके अंदर जाएंगे, और आंटी अब सही रहेगा नहीं रहेगा। अब आंटी खुश हुई है। हाँ, और खूब मेरी मेहनत देख रही हो, ऐसे ऐसे करके मेहनत कर रहे हो, तुम खुद के लिए कर रहे हो। शाबाश बेटा।
तुम्हारे जूता गंदे नहीं रहे, मैं एकदम लिकाने नहीं पर के चलते, मैं हाथ गंदे हो रहे हैं, कपड़ा मारते हो, कौन काटो ये आंटी जाओ। कौन नई चीज पता चली हमें कि ये पार्टीशन था। करण कह रहा था सोचा कि ये जो बड़े वाले ना एक्स्ट्रा है, मैंने कहा यार ये क्यों दिए बिना बात के। अब पता लगा जैसे हम क्या कर रहे थे अभी तक, हम बना रहे थे एक एक बॉक्स इतना बड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें बीच में वो भी आएगा तब ज्यादा जूते रख सकते हैं। आंटी समझ गए, ऐसे ऐसे करके अलग अलग बॉक्स में। अब कितने सारे जूते आ जाएंगे जैसे यहाँ पे। हाँ यहाँ ये हमने ये बीच में लगना था, जैसे तुमने बीच में लगाया फिर यहाँ पे ये लगा। हाँ पार्टीशन देखा, समझदार हो। चलो अब लगा दो। फाइनली ये लग गया है यहाँ पर, देखो कितना अच्छा लग रहा है। मैं नहा गई हूँ, रेडी भी हो गई हूँ, ब्रेकफास्ट करना है मुझे अभी, फिर मैं पाई और करण कहीं जाएंगे, कुछ विजिट करना है कहीं पर, आज भी बहुत काम है मेरे को यहाँ पर भी, फिर ब्रेकफास्ट करके आपसे मिलती हूँ। 2 hours later रेडी हो गई हूँ पूरी तरीके से, खाना भी खा लिया है करण और मैं भी रेडी हूँ, और मैंने बता चुकी हूँ लोगों को कि हम जा रहे हैं आज भी पाई मैं और तुम। और ये देखो पीछे ये मेरा शूर है, ये मैंने दिखा जो मैंने आज बनाई, वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट बिकॉज हमने खुद बनाया ना, खुद बनाया, एज इन खुद बिल्ड करा इसे। तो हम बस निकलेंगे अभी यहाँ से, और आज एक और बिजनेस मीटिंग है, आज एक्चुअली 3 है लेकिन आज पता नहीं टाइम कम है तो शायद 2 ही हो पाए, और जो भी बच जाएगी उसको फिर कल देखेंगे। चलो कल पड़े हैं यहाँ से, हमें कुछ विजिट करना है कहीं पर, मैं पाई और करण आगे बैठे हुए हैं। तुम्हारी सीट चेंज करा दी मैंने, पहले तुम पाई के साथ बैठते थे ना, अब मैं पाई के साथ बैठती हूँ। अब करण और सैंडी दोनों मिलके अपना एक नया बिजनेस शुरू करने की तैयारी में लगे हुए हैं, और मैं इनको थोड़ा गाइड कर रहा हूँ पाई की गाइडेंस के अंदर। विजिट चल रही है अभी हमारे काम की, यस देखते हैं चल रही है अभी, तो शाम तक यही रहेगा आज। और अब थोड़ी थोड़ी ठंड आ गई है ना, अच्छा लग रहा है मौसम। सही है। और ये आया मैं ऑफिस में, तो मैं क्या देख रहा हूँ ऑफिस में, मेरी पार्टनर ऐसे बैठी हुई है तुम्हारी सीट पे, मेरी सीट पर। मेरी क्या है, तेरी है यार, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। और ये देखो ये कितना प्यारा है यार, ये इतना अच्छा सा है ना। तो मम्मी भी आती है ना, तो मम्मी भी ऐसे ही करती है, इसके साथ ऐसे खेलती है थोड़ा सा, मम्मी बोलती है बहुत अच्छा लगता है। मम्मी लेकर आई थी इसको। हाँ। जितना भी यहाँ पे फर्नीचर एंड ये वाली चीज है ना, ये सारे नो, हाँ ये सारे डेकोरेटिव थिंग्स जो है, सुंदर सुंदर, जैसे ये है क्या ग्लोब, क्या ये बुल है, बुल ये लाइट मम्मी लेके आई थी, ये वाली ऊपर वाली, ये सब मम्मी लेके आई थी। और मेरी पार्टनर के साथ मेरी जोड़ी जम गई, बहुत काम करती है भाई, मैंने देखा इसको मुंबई, बहुत काम करा है इसने मेरे साथ। अभी मैं फ्री हो चुका हूँ, अभी आज के मेरे सारे काम हो गए, मतलब मेरे एजिन तो तेरे भी हो गए, तो वी आर फ्री नाउ, इफ यू वॉन्ट टू गो समवेयर वी कैन। तो अभी सोचते हैं, फिर हम आपको बताते हैं हम कहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं। अभी सोच रहे हैं कि फ्री हो गए अभी हम, एक और काम है लेकिन वो आज का नहीं हुआ, वो रिशेड्यूल हो गया कल के लिए, तो कल देखेंगे, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं होता, मतलब कोई पर्टिकुलर नहीं होता, तो कल के लिए हो गया तो कल देखेंगे, आज चलते हैं फ्री हो गए तो देखते हैं क्या करना है। अभी आ गए हमारे बीच में इतने दिनों बाद, दिनों बाद नहीं भाई, ठंडे मेरे व्लॉग में तो दिनों बाद ही साढ़े बजे मुंबई थी, तो ये मुंबई क्या कर रही, तो बताओ दोनों हाल। हेलो तो बोल दो भैया सबको, मेरी और सैंडी कैंडी की तरफ से जितनी भी ऑडियंस है सबको हेलो। हां सबको हेलो। हां कभी कुछ भाई याद रह गया, सब हो गए, सब हो गए ना, सैंडी कैंडी की जितनी भी ऑडियंस, जितनी भी और जो आने वाली है उनको भी, हां जो आने वाली है उनको भी हेलो सब। ये तो बोलो सब्सक्राइबर बढ़ाए, फॉलोअर बढ़ाए, सब बोलो तो कुछ। अब फोन आ गया ना, बिजी है, बिजी है, फ्रॉड कॉल है यार, फ्रॉड कॉल यार। बताओ बोलो सब्सक्राइब बढ़ाओ, आप भी ठीक करके देता हूँ। कितने कितने हो गए तेरे सब्सक्राइब? मेरे है 2 lakh कुछ है अभी, 2,70,000। 2,70,000 तो कल तक 3 lakh हो जाएंगे तेरे, कल तक ही पक्का? नहीं हुए तो अरे हो जाएंगे, मेरी ऑडियंस भी तो है ना, साहिबा की जितनी ऑडियंस है वो मुझे भी फॉलो कर दो, है अपनी ऑडियंस है भैया की। कह रहा शायरी तो सुना दो, कि उन्हीं सिर्फ उन्हीं के चैनल पे सुनाते हो आप, माँ के चैनल पे ही, मेरे में भी सुना दो तेरे, मैं सुनू शायरी नहीं है, एक लाइन है। मैंने ऐसा देखा था, एक रील थी उसमें लिख रहा था कि एक शमशान के बाहर लिख रहा था, याद आ गया यार, बताओ क्या लिखा था। एक शमशान के बाहर वो लिखा पड़ा था, तुमसे भी अच्छे लोग यहाँ राख होने पड़े, जब कभी भी आप
घमंड आ जाए ना तो एक फिर शमशान का चक्कर काट लेना, समझे भाई। कभी भी घमंड आ जाए तो अजय भैया का कहना ये है, शमशान का चक्कर काट लेना। इनसे देखे अच्छे बेहतरीन लोग हैं, वहाँ राख बने पड़े हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। और एक और था मेरा, एक और मेरा था, मैंने लेकिन कुछ और देखा था। हाँ क्या मेरे में था कि वो क्या बोलते हैं उसे लास्ट में जो पहुंचते हैं यार, डेस्टिनेशन को क्या बोलते हैं, मंजिल, मंजिल, मंजिल तो तेरी यही थी पूरी उम्र लगा दी आते आते, मंजिल तो तेरी यही थी पूरी उम्र लगा दी आते आते, क्या मिला इस जिंदगी से अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। अरे वाह 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 वाह, क्या महफिल जमा दी यार। शेर व शायराना, करण वर्सेस अजय का शेर व शायराना। देखिए रोज शाम 5 बजे नहीं 10 बजे मेरे चैनल पे। हाँ 10 बजे का टाइम, 10 बजे है, अब 10 बजे करती है। और हमारा बना एक प्लान, हमारा प्लान बना है कि सुनो सुनो भैया सुनो, बड़ा पाव खाने जा रहे हैं। अच्छा ये तो कहना जैकेट लेने जा रहा हूँ। झूठ, ये स्पेशली बड़ा पाव खाने उस शॉप में जाता है, एक शॉप है वहाँ मॉल में। तो बड़ा पाव तो यहाँ नहीं मिलता वो वाला, वो टेस्ट तो मुंबई में भी नहीं मिला। बता दो, मुंबई जाके मुंबई के बड़ा पाव में वो टेस्ट नहीं था कहीं भी। अच्छा जो यहाँ के एक उसमें। अच्छा तो यार मुंह लग गया, मन को भागया, जैकेट का नाम तो बैठ गया है, मन को भाए कभी जो मन को भाया मैंने कुत्ता मार के खाया है। मेरे मन को भाया क्या बोल, ये कहावत है, सीरियसली नहीं लेने का। चले मैं जिंदगी में गया हूँ बिगाड़, क्योंकि अजय भैया की जिंदगी आपके पर एक मुंह में छाया, क्योंकि आपने कहा ना कुत्ता मार खाया, छत्रो छाया, अजय भैया की छत्रो छाया कुत्ता मार के खाया। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। गाइस हम आ गए हैं मॉल, हम फ्री हो गए थे तो इतना सोचने के बाद हमने ये सोचा कि यहाँ आना ज्यादा ठीक है। ये सामने मॉल है, डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया, और अब हम आ चुके हैं जहाँ पर रावत फैमिली में से कोई ना कोई मेंबर आपको रोज मिल सकता है, कोई ना कोई। यू आर आल्सो रावत फैमिली ना, यू नो दिस ना। तो मैं वही तो कह रही हूँ, फैमिली से कोई एक इंसान तो यहाँ मिल ही जाएगा तुम्हें। यस कभी कि तुमको ऑस्कर शीरो भी मिल सकते हैं एक दिन यहाँ घूमते हो तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। शॉप है और हम आ गए, बहुत टाइम बाद खुला है, 1-2 महीने बाद खुला है, तो जाना बनता ही। ओह माय गॉड पूरा फुल ही है यार, नई टाइप का बन गया है अब तो। मैं इतना क्राउडेड हो गया यार ये, बहुत ज्यादा छोटा सा है ना, बट यार टेस्टी तो होता है ये खाना, यहाँ के राइस बहुत फेमस है। अपना मंगाती नहीं है सैंडी और मेरा का, मतलब आते ही मेरी सिर्फ कोल्ड ड्रिंक आई है, अभी तक वही पीने शुरू कर दिए इसने। अपना मंगा ले भाई, लिपस्टिक लग जाती है। हाँ लिपस्टिक तो लगती है, मतलब गर्ल्स के साथ सबके साथ ये प्रॉब्लम होती होगी शायद, है ना। मैं मतलब लड़कों के साथ तो क्यों होगी ये सब चीजें। चल यार खाना आ जाए, भूख लग रही है बहुत देर से, बहुत ज्यादा। हमारे राइस आ गए हैं पनीर वाले, यार कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं यार, मेरा क्यों नहीं आ रहा। यस मैं ही खा जाऊंगी शादी। इट लुक्स सो टेम्पटिंग, खाना वाना खा लिया था, अब करना है कुछ अपने शॉपिंग करने। एक जैकेट उन्हें पसंद आई है, ये देखो ये देखो, अच्छी लग रही है। तुम्हें सही लग रही है मुझे तो, पर इतनी सर्दी तुम्हारे यहाँ आती नहीं शायद। वॉच ले रही हूँ, आप लोगों को ये वॉच तो बहुत पसंद है, ऐसी मुझे बहुत पसंद है, मैं एक और ले रही हूँ ऐसी, उसका वो निकलवा रही हूँ, फिट करवा रही हूँ, साइज का करवा रही हूँ। हाँ अच्छी लग रही है वॉच, बहुत प्यारी। करण के साथ रहते थे, मुझे भी वॉचेस का शौक हो गया, फिर करण के पास तो खूब वॉच कलेक्शन है पूरा। अच्छा था वॉच, आज कौन सी पहनी है तुमने? अभी मैं कुछ टाइम के लिए पहन रही हूं। दिस माय न्यू वॉच, बताना कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। तुम्हें किस लगी? पहले ने? हां प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है। मेरी दूसरी वाली भी ऐसी है थोड़ी इस टाइम काइंड ऑफ, तो आप लोग सोचोगे ऐसे ही मिलेगी, इस टाइप मुझे पसंद है। हाँ तुझे पसंद है रोज गोल्ड, तुझे पसंद है। देखो यहाँ पे कितनी सारी बुक्स है ना, मेरी स्टोर हैरी स्टाइल्स, दिस इज मार्केटिंग, अली बाबा, सी कौन सी अली बाबा, बट 400 नहीं ये दूसरा है। अली बाबा 400 चंपक और ये 400 टाइप का। हाँ कितनी भीड़ है यार आज के दिन, गलत जगह आ गए, गलत दिन, वीकेंड, ओ गॉड।